हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आपका मेरे BMS लेक्चर चैनल में स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मम्स। विद इन 2 or 3 minutes आई विल कंप्लीट दिस डिसीज इन अ प्रॉपर वे, प्रॉपर नोट्स एज आई मेंटेन दिस। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज़ एंड प्लीज़। जिसने अब तक नहीं किया है तो जो रेड कलर का बटन आ रहा है उस पर क्लिक कर दीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं डिसीज़ मम्स। मम्स को गलसुआ, कनफेर, कर्ण, मूली, ज्वर, पाषाण, गदर्भ, सुषुप्त ने बोला है। अनदर नेम इसका इन्फेक्टेड पैरोटाइटिस। इसके डेफिनेशन केस में एक्यूट इन्फेक्शन डिसीज होती है, नॉन सपोरेशन एनलार्जमेंट एंड टेंडरनेस हो जाता है एक या दोनों साइड पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है। उसके बाद पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म इसका क्या है, मिक्सोवायरस पैरोटाइटिस होता है। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्लिनिकल सप्लेन, मतलब बेसिकली सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में मोर ओकेजनली होता है। कम्युनिकेबिलिटी 4 to 6 days बिफोर ऑनसेट ऑफ वीक में रहता है। सिम्टम्स में होस्ट फैक्टर कोई भी हो सकता है, किसी भी एज में हो सकता है, लेकिन ये बेसिकली 5 to 9 years ऑफ एज में होता है। ये सेम ही रहेगा सबका, पेपरलेट्रिक्स, नॉन वैक्सीनेटेड, लेस इम्यूनिटी। एनवायरमेंटल विंटर एंड स्प्रिंग सीजन में इंक्यूबेशन पीरियड इसका 18 days में वेरीज करता है, 2 to 3 weeks। मोड ऑफ इन्फेक्शन डायरेक्ट ड्रॉपलेट फॉर्माइटिस। उसके बाद क्लिनिकल फीचर इसमें फीवर, हेडेक, एनोरेक्सिया, ईयरएक मिलता है, सोर थ्रोट इसमें मिलता है। उसके बाद पेन एंड स्टिफनेस इसमें मिलेगी अगर आप बाउट को ओपन करते हो, अगर आप स्वॉलन फेस रहता है इसका, क्योंकि वहाँ पे स्वेलिंग रहती है पैरोटिड ग्लैंड में ना, एक या दोनों में रहती है। कॉम्प्लिकेशन पेनक्रियाटिस होता है इसके अंदर, थायराइडाइटिस हो सकता है, ऑर्चराइटिस हो सकता है, ओफोराइटिस हो सकता है। ऑर्चराइटिस मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ टेस्टिस, ओफोराइट इन्फ्लामेशन ऑफ ओवरीज हो जाता है। प्रिवेंशन में क्या है, आइसोलेट द पेशेंट बाय टेकिंग लाइव एटेनेटेड मम्स वैक्सीन, आइदर आप अकेले लो, कंबाइन लो। वैसे तो MMR इकट्ठे ही लेती हैं, 0.5 ml आप सबक्यूटेनियस या IM लगा सकते हो 12 to 15 months पे। ये फर्स्ट डोज रहती है, सेकेंड डोज 4 to 6 years पे रहती है। यहाँ पे ये हमारी डिसीज कंप्लीट हो गई है विद इन अ 2 minutes। और अगर किसी ने मेरी पहले की वीडियोज नहीं देखी है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। मैंने मम्स की, मैंने मेजल्स की भी डाल रखी है, चिकन पॉक्स की भी डाल रखी है, और चरक के भी लेक्चर्स हैं, और अगर व्यवहार आयुर्वेद के भी आपको फॉरेंसिक साइंस के भी उसमें लेक्चर्स मिलेंगे। और अगर किसी को इस डिसीज में कहीं पे भी कोई डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हो, आप मुझे कमेंट कर सकते हो। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।